गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं, कोई प्लान नहीं है कहाँ जाना है, बट रेडियो के अभी हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सांची का स्तूप घूमने जाएंगे। सांची चलो मिलते हैं सांची में। नहीं, उससे पहले आएगा एक कर्क रेखा, तो वहाँ पर मिलते हैं, उसके बाद सांची में पहुँचेंगे। दोस्तों, हम लोग कर्क रेखा पर पहुँच चुके हैं। इंडिया को डिवाइड करती है, माइनस 22.5 डिग्री है ये, और ये लाइन वो जा रही कर्क रेखा का एक पॉइंट वो उस तरफ भी बना हुआ है। दोस्तों, हम लोग ये बाइक से जा रहे हैं सांची के लिए। काफ़ी अच्छी बाइक है बुलेट। ख़राब रोड था बहुत ज़्यादा, तो इसने बहुत अच्छा साथ दिया है। काफ़ी अच्छे से ये स्मूथली चली आई है उस रोड पे। तो दोस्तों, मैं सांची पहुंच चुका हूँ। मेरे साथ नीरज है, पीछे खड़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये जो पीछे स्तूप दिख रहा है, सांची का स्तूप है। अभी उसके पास जाऊँगा मैं और फिर आपको दिखाता हूँ पास से। तो ये टिकट काउंटर है अपना, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। 40 रुपये का टिकट एक आदमी का। तो टिकट चेक हो रही हमारी। तो ये रहा सांची का स्तूप। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है। तो यही रास्ता एंट्रेंस का, यहाँ से आए थे हम लोग। यहाँ पर छोटे स्तूप और दिखेंगे आपको। ये रहा मेन गेट स्तूप का, और ये रहा गार्डन। यहाँ पर आप बैठ सकते बढ़िया से, इत्मीनान से, और फिर वापस ये रहा रास्ता बाहर जाने का। अशोक ने बनवाया था, मौर्य साम्राज्य के एक राजा थे। काफ़ी अच्छा है, और ये इसमें बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं, गौतम बुद्ध आप जानते होंगे। और ये एंट्रेंस है जहाँ से अपन एंटर करते हैं। ये बहुत एंट्रेंस द्वार है, और यहाँ पर कई छोटी छोटी नक्काशियाँ हैं, मैं पकाना भूल गया। और ये बहुत ही ट्री का एक लोगो बना हुआ है, आप देख सकते हैं छोटी छोटी नक्काशी बनी हुई है। ये बारीकी से काम किया गया सारा, और ऊपर तक नक्काशी है, और पूरा पत्थर का बना हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतने सालों से टिका हुआ है। ये दोनों गेट पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से। और ये बहुत भिक्षु लोग हैं यहाँ पे, जो गौतम बुद्ध की ट्री की उपासना कर रहे हैं। तो फिर आइए अंदर, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। जैसे ही हम इंटर करते हैं, यहाँ पे हमको एक मूर्ति मिलती है, सिर कटा हुआ है। ये अपन स्तूप की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे एक राउंड लिया जा सकता है चलकर पूरा। काफी टूरिस्ट लोग आए हैं। पुरानी वाली वो बोल करके खोल के पढ़ते हैं ना, उसे बोल करके रख देते हैं, जैसा गोल गोल ऐसे ही है कोने में। भगवान बुद्ध की जीवन की कथाएं इस गोल गोल गणेश की तरह खोल के पढ़ लो, और हां और गोल गोल आराम से आइए। यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं है,
के लिए देखो ये रेलिंग बनाई गई है। और क्या होता है, आज घर बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं, हम उसके ऊपर पाइपों की रेलिंग लगा देते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए। बाकी स्टोरी नहीं देख पाते आप, जिस पे चित्रकारी है ना कार वो ओरिजिनल है, वो जो प्लेन वाला नया है। अभी टॉप सेंटर में एक लेडी खड़ी, बुद्ध की माँ खड़ी, तो माया देवी जन्म को दिखाता, देखा आप लोग, क्योंकि हाथी है ना उनके ड्रीम में आया था, तो लेडी खड़ी वो टॉप में, और बीच में तो मिडिल में रामा का राम का स्तूप बना, सब लोग स्तूप की पूजा कर रहे हैं बीच वाले में, और लास्ट में एक म्यूजिकल पाइप है नादेश्वर, गेट बनाने वाले साउथ के राजा थे। आज साउथ में आपने कोई मूवी देखी होगी, फेस्टिवल होता है ना, तो सेरेमनी, तो साउथ में एक लंबा सा पाइप बजाते हैं नादेश्वर, तुरतुरी जैसा म्यूजिकल पाइप बजाते हैं, लंबा पाइप बजा रहे हैं और माले लिए स्वागत है थर्ड वाले लेयर में। वो बता दें प्लेन है ना ये, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट लेके वो रिपोर्ट मान होगी, हमारी रिपोर्ट नहीं चलेगी, क्योंकि देश आजादी चले ब्रिटिश शासन काल था, उनने जो काम कर दिया लिख दिया वही पॉइंट चलेगा। तो दोस्तों ये दूसरी मूर्ति है, ये चारों तरफ गेट बने हुए वहाँ पे मूर्ति ये लगी हुई है, ये सेकंड गेट पे आए हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ये वाली मूर्ति का सर अलग से जोड़ा गया है, इसको भी काट दिया गया था। दोस्तों हम लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, स्तूप के साइड परिक्रमा कर रहे थे तो साइड से जो रास्ता था उससे ऊपर जाने का रास्ता ही है, और स्तूप के काफ़ी करीब पहुँच सकते हैं। ये स्तूप जो है मिली जिसका भी सिर कटा हुआ है। ये स्तूप क्रमांक दो है दोस्तों, काफी सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी यहाँ स्तूप क्रमांक दो देखने के लिए। वगैरह बोल रहे थे कि इसमें पहले पानी भरा हुआ होता था, स्नान वगैरह करने का काम आता था, स्विमिंग पूल बोल सकते हैं आप इसको पुराने जमाने का। साइड व्यू देख सकते हैं आप सांची के स्तूप का, ये मेन स्तूप है। जो दोस्तों चल चल के हवा टाइट हो जाती है, स्तूप वगैरह देखने आओ कुछ। डंडी नहीं लाए तुमने? ऐतिहासिक स्मारक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आया मुझे। धूप ज़्यादा लग रही है, लेकिन कुछ और शाम माम में आना था या फिर सुबह जल्दी आना था, अभी दोपहर का 2 बज रहा है। तो बहुत मेरे पीछे जो स्तूप है उसके सामने जो ये गार्डन पड़ता है, काफ़ी अच्छी घास लगी है, और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप बहुत ही अच्छा छायेदार पेड़ है, तो इसी तो अच्छा है अंग्रेजों ने लगाया होगा। तो देख लो अंग्रेजों का पेड़ देख लो, तो फिर आप ये रहा अंग्रेजों का पेड़, ये इधर ये लगे तो पूरे आइट साइड वो पूरे, हाँ चारों तरफ अंग्रेज ने लगाया। ठीक, बाकी मैं यहाँ घास में लेट के बैठ के रेस्ट करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी घास है। तो दोस्तों किताबों में ही देखा था मैंने ये सांची का स्तूप, आज यहाँ के लाइव देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। आप लोग भी आइए कभी, विजिट कीजिए यहाँ पे, बहुत अच्छी प्लेस है। ये स्तूप नंबर 3 है, ये थोड़ा छोटा स्तूप है, और वो सामने रहा बड़ा स्तूप अपना, इसमें भी गेट है, तो इसमें नक्काशी वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बारीकी से है, बस इसमें जो बाहर की बाउंड्री है वो सब नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों स्तूप के साइड में यहाँ पर कैंटीन भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कैंटीन रहा। तो काफ़ी भूख लग रही है हम लोगों को, तो चलो यहाँ पर कुछ देखते हैं खाने के लिए, कुछ अच्छा होगा तो ट्राई करते हैं उसको और खाते हैं। एक कैंटीन भी है और एक शॉप भी है, पूरा कंप्लीट व्यू मिल रहा है यहाँ पर, पानी वगैरह सब रखा हुआ है। और भैया खाने में क्या क्या है सर, आइए ना अंदर, आइए ना अंदर आ जाएं, ठीक है आते डायरेक्ट अंदर। भैया खाने में क्या है, गरम पेटी, thank you।
दोस्तों हमने यहाँ सांची के कैंटीन से पेटीज ली है और नीरज बैठा यहाँ, काफ़ी अच्छे बैठने की व्यवस्था भी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गुफा है, 32 नंबर दिया गया इसको, गुफा नंबर 32 है। तो दोस्तों गुफा तो मैंने देख ली है, जो शुरू होते से ही ख़त्म हो गई थी। एक कमरा है ये, गुफा बोलते क्यों है पता नहीं। तो मेरे पीछे दिख रहा है यही रहा, यही मंदिर, प्राचीन मंदिर, 2 मंजिल का मंदिर है ये। हमने सांची का स्तूप घूम लिया है और अब हम घर के लिए वापस निकल रहे हैं। रास्ते में तो दोस्तों सांची से घूम के मैं घर आ चुका हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चुप तो रहे।